हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसे मैंने ना ये जो हमारी वूल है वो 4 प्लाई की है, थोड़ी 3 प्लाई की है सॉरी, जो थोड़ी मोटी है, और इसे मैं ना जो क्रोशिया नंबर है वो 3.50 mm से हमने बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसे ना फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसे ना मैंने छोटे छोटे ना कई अलग अलग टिकलियाँ बना के तब एक साथ जोड़ के बनाया है। तो मैं आपको है ना पहले ना इसके ना शुरू का पार्ट बताती हूँ, और फिर मैं इसके ना आगे हमें क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। चलिए, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए पहले इसमें नॉट लगाएंगे, और नॉट लगा के फिर इसमें हम है ना चैन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें जो हमें चैन लेनी है वो 30 चैन लेनी है। तो 30 चैन लेके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये 30 चैन बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 30 चैन बनाने के बाद 1, 2, 3 चैन और लेंगे, और ये 3 चैन छोड़ के 4th वाली चैन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर हम अगली चैन पे जाएंगे, 1, 2 छोड़ के, और ये 3 छोड़ के 4th वाली में हम सॉरी 1 और 2 छोड़ के, और ये 3rd वाली में हम ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर हम अगली ये वाली चैन छोड़ेंगे 2, और 3rd वाली चैन में जाके फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से है ना ये पूरे में बना लेंगे, 2-2 चैन छोड़ के और 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया। तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये पूरे में बना लिया है। अब हम इसे है ना यहीं पे पलट देंगे। ठीक है, पलटने के बाद हमें यहाँ पे ना एक पहले सिंपल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 और डबल क्रोशिया, फिर 1 हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक सेकेंड, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, 2-2 करके जो हम 3 बार में ये फंदे निकालते हैं ना, वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। और फिर से हम यहाँ पे ना 1 डबल क्रोशिया, 1 और डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, जो ये हमने ना जो 2 चैन ली थी उसमें किया है, और जो ये सिंपल वाला है उसमें डाल के हमें एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फिर हम अगले वाले पे जाएंगे, और वहाँ पे भी एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया देखिए, 2-2 करके जो ये फंदे हम 3 बार में निकाल रहे हैं, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर ये जो आगे वाला जगह है यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, फिर अगले में जाएंगे, और वहाँ पे भी सेम तरीके से बनाएंगे, पहले एक सिंपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पे, इसी चेन में। ठीक है, फिर अगले में डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कुछ इस तरह की पत्तियाँ सी बनती हुई चली जाएंगी। तो ऐसे ही पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरे में बना लेते हैं इसी तरह से, जैसे हमने ये 3 पत्तियाँ बनाई है ना, ऐसे ही पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये लास्ट तक कर लिया। अब यहीं पे डाल के हम इसे
लास्ट में जॉइंट कर देंगे और यहीं पे इसे अब कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको ये ना अच्छे से दिखे। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, और पकड़ के देखिए इसके ऊपर ऐसे मोड़ के ऐसे हम इसमें ना ये फूल बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से बस हम इसे ना ऐसे राउंड राउंड करते जाएंगे और ये हमारा फूल बनके पूरा तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए आप चाहें तो इसे ना सुई से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये सभी में ना इस तरह से डबल क्रोशिया डालिए और ये फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये हमारा यहीं पे हम अच्छे से ना टांग देंगे। ये धागा हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लेंगे जिससे ये ना अलग से हमारा टांका जा सके। ठीक है, और ये हम अच्छे से यहाँ पे नॉट लगाएंगे जिससे ये निकले ना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है और अब हम इसके आगे का बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने इसमें ना नॉट लगा ली है और नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चेन में डाल के हम इसे यहीं पे ज्वाइन कर देंगे और ये राउंड बना लेंगे। ठीक है, राउंड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हम चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, तो ये 7 चेन लेने के बाद ये देखिए 2 बार फंदे ये क्रोशे के ऊपर लेंगे और इस राउंड में डाल के 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है कि जो ये देखिए एक बार में 2 फंदे निकाले, फिर दूसरी बार में 2 फंदे और ये तीसरी बार में 2 फंदे, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम 1 2 2 चेन लेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और यहाँ पे ना फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 चेन लेंगे सॉरी, और 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 2 बार ये फंदे लेके और 1 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 2 फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और 1 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें जो हमें ना टोटल ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं वो 12 बनाने हैं। इसमें ऑलरेडी हमारे देखिए एक ये चेन वाला जो हमने बनाया था वो हो गया, ये 2 3 4 5 6 हमारे हो गए हैं। ये देखिए फिर से 2 चेन लेंगे और ये 7 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। ऐसे ही इसमें हमें ना टोटल 12 बना लेंगे, तो 12 बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये 12 बना के हम साइड में रख देते हैं और ये 12 पूरा करने के बाद फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये 12 बना के अलग रख देंगे। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से हम इसमें ना नॉट लगा के और वही 4 चेन लेंगे और राउंड बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था। ठीक है, ये राउंड बन गया, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और वही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे बनाते हैं, तो फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेकर और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया मतलब 2 बार एक, ये देखिए 2 बार 2 फंदे एक बार में निकाले, फिर 2 फंदे निकाले और तीसरी बार में भी 2 फंदे निकाले, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसमें 1 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और ये लास्ट
एकार ट्रिपल क्रोशिया। तो इसमें हमने देखिए ये चैन सहित 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। और इसे हम अब यहीं पे छोड़ देंगे। इसमें अब हमें क्या करना है, देखिए ये ब्लू वाली ऊन को जॉइंट करेंगे। देखिए पहले इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और ये इसमें डाल के इसे यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए चैन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, एक चैन लेंगे और इसी में डालते हुए हमें यहाँ पे ना देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसमें जो हमें बनाने हैं वो 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम तीनों के तीनों फंदे एक साथ निकाल देते हैं वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो एक चैन में हमें जो ये दो वाली चैन है उसमें हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 2, 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले 2 में भी हम बना लेंगे वो ही। ये देखिए 4 और ये लास्ट में भी हमें 4 ही बनाने हैं, ठीक है। और अब हम इसे यहीं पे ना कट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा हाफ सर्कल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये दोनों हमें ना ऊन अभी यहीं पे कट कर देंगे, और इसी तरह से मैंने और भी हाफ सर्कल्स बना लिए हैं। जैसे मैंने ना ये फुल सर्कल्स काफ़ी सारे बनाए थे, ऐसे ही हाफ भी काफ़ी सारे बना लेते हैं। और फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने ये हाफ वाले पे बनाए ना, ऐसे ही हमने ना गोल वाले पे भी ये ही हाफ डबल क्रोशिया बना के ना पूरे के पूरे पे बना लिए हैं। तो वे पूरा बना पूरे के ये बना लिया है, और बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने चैन दी थी ना शुरू किया था वहाँ पे डाल के इसे इस तरह से जॉइन करेंगे और यहाँ पे नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन के ना तैयार हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ना ये काफ़ी सारे ऑलरेडी है ना बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, मैंने ये काफ़ी सारे है ना इसी तरह से है ना बना के रख लिए हैं। और अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए, इन्हें साइड में कर देते हैं, हम दूसरा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इन सबको है ना साइड में रखते हैं। अब मैं तो और ये देखिए ये हमारा ये फूल था और ये हमने ये बना लिए हैं। अब हमें इस फूल को ऐसे रखना है और इन सबको इसके साथ में इस तरह से जॉइंट करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस फूल के साथ हमें ये सारे के सारे है ना सुई से जॉइंट करने हैं, ठीक है। और अब इसमें आगे हमने क्योंकि काफ़ी सारे बनाए हैं ये इसके ऊपर रख के ऐसे, पहले हमें ना लगा के है ना एडजस्ट कर लेंगे कि ये ना देखने में ना किस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उस तरह से ही फिर हमें ना ये लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे हमने लगा लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमने हाफ वाले बनाए हैं ना वो हम इस तरह से बीच में लगा लेंगे, या जैसे भी मतलब अच्छा लगे वो आप है ना रख के देख लीजिए, उसी हिसाब से है ना ये लगा लीजिए। तो ये इसी तरह से राउंड बनेगा। अब मैं आपको है ना इन्हें जोड़ना बता देती हूँ। तो इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सुई में इस तरह से हमने ना धागा डाल लिया, और धागा डालने के बाद अब हम इसे ना अच्छे से जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए देखिए इस फूल को लेंगे, इसमें ये धागा डाल लेंगे ऐसे, और ये टिकली लेके देखिए पहले हम इसे इस पे ऐसे रखेंगे,
जो हमने यहाँ पे रखे हुए ना वो, और इसमें ना इस तरह से इसी के साथ में ये अटैच कर देंगे, ठीक है। और ये ना हमें सिंपली टाका लगाना है और इसमें ना इस तरह से ये अच्छे से अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे और दूसरे को इसी के बराबर में ऐसे रख के और ये यहाँ पे ऐसे ही अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हो गया। ऐसे ही रख के हम अब थर्ड वाला लेंगे और इसे भी ऐसे ही जॉइन कर देंगे। तो ये पूरे में जॉइन करके, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, उस तरह से जॉइन करके पूरे में, और फिर आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना इसमें ना ये नीचे वाले सारे के सारे जोड़ दिए हैं। अब मैं ये ऊपर की साइड में जोड़ रही हूँ। अगर आपके आपने ना ये वाली जो टिकलियाँ हैं वो बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो आप इसी तरह से है ना सारी की सारी है ना जोड़ सकते हैं। तो और इसे ना जोड़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि है ना ये देखिए एक जैसी है ना ऊन लीजिए और इसमें ना सिर्फ ऐसे हमें टाँके लगाने हैं। बस ये ध्यान रखना कि टाँका हमें हल्का नहीं लगाना है, बार बार नॉट लगाते रहना है, क्योंकि अगर हमने ना टाँके में नॉट नहीं लगाई तो ये ना निकल जाएगा और हमारा अच्छा खासा थाल पोस खराब हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम ये पूरे में बना लेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से ना समझ आ रहा है कि मैंने ना ये किस तरह से लगा रही हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें रखा हुआ है और यहीं पे ना इस तरह से टाँके लगाई जा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से लगा लेंगे। और ये हाफ वाले मैंने ना इस तरह से लगाई है, यहाँ पे ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, ठीक है, ऐसे। तो मुझे ये जितना बड़ा चाहिए उतने में ये लगा लेती हूँ, बना के पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे ना क्या करना है। तो ये देखिए, हमने ना पूरा का पूरा ये बना लिया है, और मैंने जितनी भी ये टिकलियाँ बनाई थी वो सब मैंने जोड़ दी हैं, और ये मतलब काफ़ी कम टाइम में ना बन के पूरा का पूरा तैयार हुआ है। और मैंने जो हाफ वाली है वो यहाँ पे ना साइडों में लगाई है, जिससे मुझे इसका ना बॉर्डर नहीं बनाना पड़ा है। और देखिए, ये देखने में है ना काफ़ी सुंदर बना है, और काफ़ी जल्दी तो ये बना ही है, क्योंकि मैंने आपको बना के दिखाया है कि ये ना काफ़ी कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए, आपको ये कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।